सब्सक्राइब करें पल्लवासो फिल्म्स को और घंटे को बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि लेटेस्ट वीडियो अपलोड सबसे पहले आपको मिल सके। वेलकम बैक टू द वीडियो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेई मेन 2020 जनवरी एग्जाम के बारे में। 6 जनवरी से जो 11 जनवरी के बीच में आपका जो एग्जाम है उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे। और आपको बता दूं ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ये NTA की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की गई है, तो मैं आपको बता दूंगा सारे डॉक्यूमेंट्स के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले मैं बता दूं जेई मेंस का एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। सबसे पहले जेई मेंस के एडमिट कार्ड को आप प्रिंट आउट करवा लेनी है, कलर या ब्लैक एंड वाइट दोनों चलेगा। और ये आपका एंट्री टिकट के तौर पे काम करेगा आपके एग्जामिनेशन सेंटर या फिर हॉल में। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है अपना एडमिट कार्ड तो आप NTA.ac.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो और ये आपको कन्फर्म करेगा कि आप वही एप्लीकेंट हो ताकि आप एग्ज़ाम में बैठ सको जेई मेंस के जनवरी एग्जाम। है आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, तो एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाने हैं आपको जेई मेंस के एग्ज़ाम में। और आपको बता दूं जो आपका पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो होगा वो सेम होना चाहिए जब आपने जेई मेंस का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया वही सेम होना चाहिए। दिस फोटो विल बी यूज फॉर पेस्टिंग ऑन ए स्पेसिफिक प्लेस इन अटेंडेंस सीट एट सेंटर ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। तो आपको ये फ़ोटो लेके जाना जरूरी है क्योंकि वहाँ पर आपको ये मांगा जा सकता है। नेक्स्ट है ऑथराइज फ़ोटो आईडी, तो आपको कोई भी एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड फ़ोटो आईडी लेके जानी है। जैसे कि बता दूँ क्या क्या लेके जाना है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, इन सभी में से कुछ भी आप लेके जा सकते हो लेकिन उसमें आपका फ़ोटो रहना चाहिए। या फिर आप आधार एनरोलमेंट नंबर या फिर राशन कार्ड है तो वो भी लेके जा सकते हो। ये जो आपका आईडी कार्ड है ये ओरिजिनल होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए और इसको आपके एडमिट कार्ड से मैच किया जाएगा। अगर मैच हो जाता है तो आप एग्जामिनेशन सेंटर में जा सकते हो क्योंकि वो आपका आइडेंटिटी प्रूफ है। जैसे आपका PWD सर्टिफिकेट, तो जो भी कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं PWD कैटेगरी से अगर उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में PWD फिलअप किया है तो आपको एक PWD सर्टिफिकेट लेके जाना है। और ये PWD सर्टिफिकेट इशू करेगा कंपार्टमेंट अथॉरिटी, तो आपने अगर अभी तक नहीं बनवाया तो बनवा लो, तभी आपको PWD सर्टिफिकेट के थ्रू यहाँ पे रिलैक्सेशन ये दी जाएगी। स्टेशनरी आइटम्स जो कि अलाउ होंगे जेई मेन पेपर 2 के लिए क्योंकि पेपर 2 में ड्राइंग होती है, तो उसमें आप क्या क्या लेके जा सकते हो, ज्योमेट्री बॉक्स सेट, पेंसिल्स, इरेजर, कलर पेंसिल और क्रेयॉन्स लेके जा सकते हो, कार्डबोर्ड या फिर क्लिपबोर्ड आप लेके जाओ लेकिन उस पर कुछ लिखा नहीं होना चाहिए और इस बात का आप ध्यान रखना। और बता दूँ जब आप OMR शीट अपना फिल करोगे तो इस बात का भी ध्यान रखना कि उस OMR शीट पर कुछ भी एक्स्ट्रा मत लिखना। और साथ में बता दूँ However, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट नथिंग इज रिटन ऑन इट, तो आपने समझ लिया मैंने बता दिया कि उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें आपको एग्जामिनेशन सेंटर में बिल्कुल नहीं लेके जानी है, अगर आप लेके जाओगे तो आपको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जा सकता है या फिर आपको साइड में वो सामान रखवा दिया जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखना। एनी टेक्सचुअल मटेरियल जैसे चिट्स, नोट्स, बुक्स एक्सेट्रा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर वॉचेस एंड अदर सच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आर बैन, तो वो आप लेके बिल्कुल मत जाना, आपको बाहर रखवा दिया जाएगा। और उसमें जो भी आइटम आपका होगा उसका रिस्क NTA या फिर कोई भी जो स्कूल है जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो बिल्कुल नहीं लेता, तो इस बात का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका मैं बता दूं रफ पेपर, कैंडिडेट्स को रफ पेपर या रफ शीट प्रोवाइड की जाएगी NTA के द्वारा और NTA बिल्कुल अलाउ नहीं करता कि आप बाहर से रफ पेपर लेके जाएं। वॉलेट, बैग, पर्स अलाउड बिल्कुल नहीं है, तो वो आपको टेस्ट वेन्यू के बाहर ही रख दिया जाएगा। और नेक्स्ट है आपका स्टेशनरी विल बी प्रोवाइडेड विथ ऑल द रिक्वायर्ड स्टेशनरी लाइक ब्लू, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन एट द एग्जामिनेशन सेंटर ओनली, तो आपको पेन वेन कुछ नहीं लेके जाना है, सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी सेंटर्स पे। तो यही कुछ डिटेल्स थी जो कि मैंने आप लोगों को बता दी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं लेके जानी है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो जरूर उसे लाइक और शेयर कर देना, शेयर करोगे ताकि सभी बच्चों को इसके बारे में पता चल पाएगा, अवेयर हो पाएगा जो भी बच्चे जेई मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस बनाते रहता हूं आप लोगों के लिए। और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर से बजा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी वीडियो अपलोड होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।